हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से, तो सब अपने अपने कामों पे गए हैं और मैं भी अपने काम निपटा रही थी। अभी तक बहुत ज़्यादा काम हो गया था, कपड़ों का डंप मेरा ये हमेशा ही रहता है ना, तो फिलहाल मैं अभी ये करूँगी फोल्ड। और ये मैंने चादर वगैरह धोई, पर्दे वगैरह भी धोए सूख के, फिर मैंने ना जल्दी से टांग भी दिए। और सेम मैंने इस कमरे का भी किया, अभी लगा देती हूँ पर्दे। और इस कमरे में मैंने पर्दे चेंज कर दिए पहले यहाँ पे, अब मैंने डार्क ब्राउन वाले डाल दिए इधर। यस, तो अंधेरा अंधेरा हो गया। तो बेडशीट वगैरह सारे धोए और पर्दे तो मैंने फिर दोबारा, एक ही जोड़ी है तो मैंने वही टांग दिए। तो इस बार ना मैंने हॉल में एक जैसे पर्दे कर दिए हैं, आधे डिज़ाइन वाले हैं, पेड़ पेड़ बने हैं उन पे, और आधे प्लेन वाले। यहाँ के पर्दे मैंने कमरे में डाल दिए और कमरे के पर्दे मैंने यहाँ डाल दिए ब्राउन। पहले यहाँ पे ब्राउन वाले पर्दे थे। और थोड़ा सा बच्चे स्कूल गए हैं तो थोड़ा सोफ़ा मेरा सही हो गया है, नहीं तो एक सोफ़ा उधर एक उधर ऐसे ही खिसकते रहते हैं। और किचन में मैंने रखा था दूध गर्म करने के लिए, तो मेरा दूध भी हो गया है गर्म, उसको कर देती हूँ बंद। तो आधे कपड़े मेरे सूख गए हैं, आधे कपड़े मेरे अभी सूखने बाकी हैं। और डोरमेट तो मैंने अभी ना सुखाए नहीं, वो ऐसे ही रखे हुए हैं बाथरूम में। मैंने कहा थोड़ा सा उनका पानी निकल जाए, फिर जाके मैं सुखाऊंगी उनको बालकनी में, ताकि नीचे वाले की बालकनी में पानी ना जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कपड़े तो मेरे ना आधे इधर ही मैंने सुखा रखे हैं, इधर जगह हुई नहीं। और यहाँ पे रावत जी को मैंने बहुत पहले एक बेड शीट मैंने टंगा दी थी छाया के लिए, नहीं तो बहुत तेज़ धूप आती। और मैंने ना डोरमेट यहाँ पे रख दिए हैं, वहाँ से पानी नीचे ना जाए, इसलिए मैंने पाइप पे कपड़ा लगा रखा है। और पूजा वाले मैट मैंने यहाँ पे टांग दिए हैं, क्योंकि इनका पानी निकल चुका है पूरा। तो इससे ना पुरानी बेडशीट हो गई थी ये, तो इससे काफ़ी सारी धूप रुक जाती है, देखो तो अच्छा रहता है। फिर हॉल भी एकदम अंधेरा अंधेरा रहता है फिर मेरा। तो दोस्तों, मेरे बच्चे ना स्कूल से आ गए हैं, और स्कूल से आके क्या काम हो रहा है इनका, नहीं क्या कर रहा हूँ, आइसक्रीम बना रहा हूँ। आता हूँ भाई खा रहा है, मैं भी खाऊंगी। अभी तो बोला ना, मेरे को भाई खा रहा है। आइसक्रीम से अच्छा ना आप ओरियो शेक बना। ओरियो शेक में तो उतने लगेंगे, आइसक्रीम में ज्यादा लगते हैं बिस्किट भैया, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद आइसक्रीम डालूंगा। अरे बड़े ग्लास में बनाना, फिर इनमें जमाऊंगा आइसक्रीम। चल बना, फिर थोड़ी सी बनाना। इसको दो तीन बार पीसते हैं, वो करते हैं। ये सारे बिस्किट है, सारे यूज होंगे। और मैंने आधे बर्तन धोए, आधे बर्तन मैंने अभी धोए भी नहीं। कढ़ाई यहाँ रखी है, कुकर वहाँ रखा हुआ है, इधर है रे मिक्सी, वो जार है उधर, और मिक्सी ये रही, ठीक है, उसको जार बोलते हैं। और दोनों का पहला दिन कैसा रहा स्कूल? पूरे ही बिस्किट डाल दो एक साथ में। पहला दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत अच्छा। आई आज पढ़ाई समझ में? इतना पढ़ाया नहीं, ओनली इंग्लिश और उसमें क्या एसएसएम। उनमें तो मेरे आने वैसे ही तेज है ना। बनियान कैसे आ रखी उसके पीछे के साइड से ऊपर। देखते हैं बेटा, हाँ आराम से देखते हैं आज मेरा आरब क्या करता है। ठीक है, सिर्फ फोन पे ही रखना, दूध डाल दो उसमें थोड़ा सा।
ऐसी तो होता है, जल्दी मुंडी हटा अपनी। फिर इसको एक बार जमाते हैं, बस 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 गिर जाएगा। एक बार जमाते हैं, फिर पीसते हैं, क्या कर रही है? जमने के बाद फिर जमाते हैं, तब जाके आइसक्रीम बनती है। मेरा पहली बार नहीं। बस घर का ना सर से ऊपर बाबा निकल जाएगा। देख निकलने लगा था बाहर, ये देख इसके ना जार से दूध दूध या जो भी लिक्विड होता है, टमाटर का पानी वानी सब निकल जाते हैं। मुंडी हटा के, मुंडी हटा के हमको भी ए छी यहाँ पे रखा था। वो चला गया अपनी आइसक्रीम रखने। अनु चाकू से, चाकू से देती। अरे बाबा फिर रोलर वो हो जाएगा क्या? ये देख इसमें टेढ़ी हो जाएगी, इसमें सीधी रहनी थी। उसने आप ही बोल रहे थे ना कि इस चीज के लिए लगाते हैं उसको। इतने गंदे बच्चे हैं ना, ये देखो मिक्सी का जार यहाँ रख दिया, बिस्किट के बाकी के पैकेट ऐसे ही रख दिए, वो ऐसे पूरा दूध वगैरह वगैरह, गंदे बच्चे। तो आरब तो चला गया अपनी क्लास, अब आने जाने वाली है अपनी क्लास। चल बाबू टाइम हो गया है। मम्मी मुझे क्या हो गया? मुझे पता भी नहीं चला, अभी खुल गया था। देखो आन्या की चैन लेके आई थी और गायब कर दिए हैं, उसमें से एक तो बोतल फोड़ दी है उसने। तो मैं अभी बाल बनाती हूँ और आरब की ना बुक्स देख के आती हूँ मैं यहाँ पे शॉप पे, मिलती है कि नहीं। वैसे मिलती नहीं है लेकिन उनसे बात करते हैं, वो शायद मंगा देते हैं। तो अगर मंगा देंगे तो सही है, नहीं तो कल स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल से लेके आना पड़ेगा, काफ़ी सारी बुक्स चेंज है। तो पहले इधर ही जाते हैं मैं और फ्रेंड, पता करके आते हैं कि वो हमारे लिए बुक्स मंगा सकते हैं कि नहीं। स्कूल में क्या है ना कि कुछ बुक्स तो सेम हैं, तो स्कूल में क्या है कि हमें सारी बुक्स लेनी पड़ेगी, और बाहर से मंगा देंगे तो वो सही रहेगा, फिर तो कुछ ही मंगानी पड़ेगी फिर। तो दोस्तों मैं ना घर पे आ गई थी, कितने बजे, 7:30 बजे के आसपास। क्या नाम है, मैं गई थी बुक्स वहाँ पे पूछने के लिए स्टेशनरी की शॉप पे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये बुक्स स्कूल में ही मिलेगी। तो कल फ्रेंड लेके आएगी स्कूल से, मैंने पर्चा मैंने फ्रेंड को पकड़ा दिया। फिर उसके बाद घूम रहे थे ऐसे, तो फिर मुझे तरबूज मिल गए, कितने के, 50 के 5 kg। तो मैं तरबूज लेके आ गई, और अभी पूजा पाठ करने के बाद कुट्टी का मैंने कितना बड़ा लगा रखा है, यानी 10 रुपये का 1 kg। तो अभी यहाँ पे मेरा आरब कर रहा है अपनी पढ़ाई, या मेरे आरब की कटिंग देखो बहुत सुंदर, ऐसे मोड़ते हैं रे गंदू इनको, ऐसे देखो कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा बच्चा। तो अभी आरब की बुक्स नहीं आई हैं, तो आरब अभी फ़ोन से वर्क कर रहा है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से मांगा है वर्क। तो कल आरब की भी बुक्स आ जाएगी, हाय राम। और मुझे आरब की सारी बुक्स पे ना फिर से कवर लगाना है, एक काम मेरा और बढ़ गया है। तो चलो दोस्तों ऐसे करते हैं, आज की ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।